अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। आज हम बनाएंगे शेज़वान चटनी। ये इंडिया की मशहूर चटनी है, तो इसकी रेसिपी कुछ इस तरीके से है कि मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें जो होती हैं बड़ी वाली वो ली हैं आधा पाव, और इनको आधे घंटे से मैंने भिगोया हुआ है ताकि ये नरम हो जाएं। और छोटी लौंगी मिर्चें जो कहलाती हैं हमारे यहाँ बहुत आसानी से, ये दोनों मिर्चें दस्तयाब हैं, ये मैंने आधा कप लिए, इनको भी मैंने आधे घंटे से भिगोया हुआ है। 4 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और 1 टीस्पून नमक लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है, 2 टेबलस्पून सिरका और विनीगर और ये सोया सॉस और चिली सॉस, तीनों चीज़ें मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। अब ये दोनों मिर्चें हम जूसर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे, और इनका पानी जो था वो हम रिमूव कर देंगे और ताज़ा पानी डालेंगे हम इसमें आधा कप, और इनको अच्छी तरीके से पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक पीस जानी चाहिए, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा। ये देखिए हमारी मिर्चें पिस गई हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा सा पेस्ट बन गया है। ये देखिए बेहतरीन पेस्ट बन गया है, तो इस तरह से आप इसको पीस लीजिएगा। अब हमने ऑयल लिया है, ये ऑयल है 1/4 कप, इसको मैंने गरम कर लिया है पैन में डाल के, और ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट था ये इसमें हम शामिल कर देंगे, और इसको हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट के करीब, मतलब बहुत हल्के फ्लेम पे इसे हम भूनेंगे। तो इसका कलर हमने चेंज नहीं करना है, इसका सिर्फ जो कच्चेपन का फ्लेवर होता है वो हमने इसका ख़त्म करना है। और अगर इसको हम ज़्यादा लाल कर लेंगे तो जो चटनी का है वो जायका ही ख़राब हो जाएगा, इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। और ये जो मिर्चों का जो पेस्ट हमने बनाया था ये हमने इसमें शामिल कर दिया है, और इसमें हम तमाम मसाला जात और ये सॉस वग़ैरह जो हमने लिया है ये डाल देंगे। ये देखिए ये तीनों सॉस जो हमने लिए थे ये भी डाल दिए, और ये नमक है, और जो चीनी हमने ली थी ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं, और इसमें जो जग में हमने पीसा था उसमें आधा कप पानी डाल के हमने उसका पानी निकाल लिया है, उसको ज़ाया नहीं किया। और इसे हम पकाएंगे, इतना पकाएंगे हम इसे कि इसमें से ऑयल हमें वाजे तौर पे नज़र आने लग जाए, और ये सारा पानी जितना भी है सारा खुश्क हो जाए। अच्छे से इस चटनी को हम भून लेंगे, तो इसे हम कवर करके रखेंगे हल्के फ्लेम पे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ताकि ये पक जाए और इसका पानी ज़्यादा खुश्क हो जाए और ऑयल वाजे तौर पे नज़र आने लग जाए। ये देखें आप, तो हमारी चटनी तैयार हो गई है। मैं आपको इसको बिल्कुल, ये देखें इस पर चूल्हा से आपको मैं ये चला के भी दिखा रही हूँ। ये देखें हमारी चटनी बिल्कुल अच्छे से तरीके से तैयार हो गई है, बहुत मज़े की यम्मी बनी है। तो आप किसी भी पास्ता में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और पिज़्ज़े में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहें तो, आप पराठे के साथ, वाइट राइस के साथ, जिस तरीके से आप इसको चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की चटनी है, तो आप हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।